समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अहमद हसन को सीने में दिक्कत के बाद गुरुवार को राजधानी लखनऊ के लॉरी कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया। मंत्री अहमद हसन की हालत देखने को गुरुवार की शाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जीएमयू के लॉरी कार्डियोलॉजी सेंटर पहुंचे। उनके साथ जल शक्ति मंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। कुछ देर तक सीएम योगी वहां रुके और डॉक्टरों से अहमद हसन से बातचीत की। थोड़ी देर की इस बातचीत के बाद सीएम योगी ने डॉक्टरों से अहमद हसन के इलाज के बारे में जानकारी ली। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू के लॉरी कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टरों को अहमद हसन के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम योगी के साथ डॉक्टर शरद चंद्रा भी मौजूद रहे, जो अहमद हसन का इलाज कर रहे हैं। सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इबाद ने फेसबुक पर लिखा, अजीज हमारे सरपरस्त नेता जनाब अहमद हसन की तबीयत ठीक न होने के कारण मेडिकल कॉलेज लॉरी में उनका इलाज किया जा रहा है। आप सभी से उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की गुजारिश करता हूं। बता दें कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अहमद हसन की तबीयत बिगड़ गई थी। अहमद हसन को फौरन इलाज के लिए केजीएमयू लाया गया था। यहां डॉक्टर शरद चंद्रा ने उन्हें देखा और उनकी हालत देखते हुए उन्हें भर्ती करने का फैसला किया। डॉक्टर शरद चंद्रा के निर्देश में इलाज शुरू हुआ। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें फेस मेकर लगाने की जरूरत बताई, जिसके बाद उन्हें फेस मेकर लगाया गया। कहा जा रहा है कि फेस मेकर लगाने के बाद अहमद हसन की तबीयत में सुधार हुआ है। अहमद हसन को प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक अहमद हसन को शुक्रवार को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है।